ग्वालियर में रिश्वत लेते नगर निगम के सफाई दरोगा को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सफाई दरोगा ने वेतन दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। ग्वालियर में नगर निगम के सफाई दरोगा अशोक धवल ने सफाई कर्मचारी लक्ष्मण खरे से रिश्वत की मांग की थी। आरोपी ने 2 महीने का वेतन दिलाने के नाम पर कर्मचारी से 5,000 रुपए की मांग की थी। सफाई दरोगा हर माह हाजिरी लगाने के लिए 1 से 2 हजार की रिश्वत लेता था। इसके बाद शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अशोक धवल नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण में CSI के पद पर पदस्थ है। आरोपी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।